हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमने ना पार्लर का छोटा सा सेटअप किया है, मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज ना हम लोग मेकअप का रिव्यू देंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप देखते हम लोग फर्स्ट है ना पॉन्स की मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। और भी ब्रांड इतने ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन मुझे ये अच्छी पर्सनली लगी है, ठीक है। तो हम लोग बेस लगाने से पहले ना सर्दियों में ये लोग हम लोग ना ये चीज़ लगा रहे होते हैं, ठीक है। लाइट वेट है, ठीक है, स्मूथ है, ऑयल फ्री है। मसलन के लगाने के बाद ऑयल नहीं आपकी स्किन पे आएगा। तो ये और ना ये क्रैक नहीं होगी आपकी बेस की, कुछ भी नहीं होगा। जो मर्ज़ी आप लोग चीज़ अप्लाई करेंगे ना सर्दियों के लिहाज से ये बड़ी अच्छी है। फिर इसके बाद ये देखें फ्रेलोन टीवी स्टिक, ठीक है, आपको पता चल ही रहा होगा ये बड़ी बहुत अच्छी ब्रांड है, आपको पता ही है। ये हम लोग यूज़ करते हैं मेकअप में पर्सनली, ठीक है। चल रहा है पता है, इसका नंबर है आईवरी में है, ठीक हो गया। हम लोग ये फिर लगाते हैं, ये अभी नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया, ये देखिए चल रहा है पता, क्रीमी सा है, बड़ा अच्छा सा है। फिर इसके ऊपर ना हम लोग ट्राई करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये गर्मियों के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, वाटर प्रूफ बेस हो जाती है। तो सर्दियों में तो वैसे बेस बहुत अच्छी बनती है। फिर हम लोग करते हैं मैक की बेस, ठीक है। इतनी अच्छी है ना, पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ की है, ख़त्म हो गई है, देख रहे हो आप लोग, ख़त्म कर दिया मैंने इस्तेमाल करके, लगा लगा के हर किसी को मैंने लगाई है ये। तो ये ना स्पंज गीले स्पंज से होती है, ठीक है। हम लोग पानी रखेंगे किसी चीज़ में, फिर वो डिप कर करके लगाएंगे, बहुत अच्छी बेस बनेगी। इसके ऊपर हम लोग ड्राई ये लगाएंगे इस टाइम का पहन के, इसकी पैकिंग मैंने निकाल के रखी है, आप देखिए, ठीक है। इसका नंबर है, ठीक है, आइवरी 08 है, ठीक है। ये अभी न्यू लेके आएंगे, ठीक है, आपको पता चल रहा होगा शेड डार्क टोन के लिए ना डार्क शेड होता है एक बहुत अच्छा, ठीक है। उसके ऊपर लगाए, फिर आप देखेंगे ये ड्राई स्पंज के साथ ही, ठीक है। इसके साथ का ना मैं मसलन के और भी लेके आई हूँ, ये लूज़ पाउडर है मैट, ये रोमांटिक कलर का है, ठीक है, आपको कंपनी का पता चल रहा होगा, हो गया। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लूज़ पाउडर। फिर हम लोग लेके आए हैं मिस क्रोस की टीवी स्टिक 3D, ये बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करें, अच्छी है ब्रांड। मसलन की जो चीज़ है ना अच्छी आ रही है आजकल इस कंपनी की, बड़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इसका बड़ा अच्छा टेक्चर है। ये थोड़ी ना मैंने डार्क टोन में बनाई है कंसीलर, तो बल्कि रुके मैं और कहीं लगा के दिखाऊँ आपको, ये देखिए डार्क टोन के लिए चल रहा पता, ये क्रीमी सा टेक्चर बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर इससे पहले ना हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं, फिर हम लोग ना कंसीलर यूज़ करते हैं। मेरे पास दो है, ये वाला मैंने यूज़ कर करके ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छा है, ये देखिए ख़त्म कर दिया बिल्कुल लगा लगा के। ये हम लोग डार्क स्किन होती है ना, डार्क टोन, डार्क सर्कल होते हैं, एक्नी वगैरह के निशान रह जाते हैं, फिर बंद मसलन के बेस के अंदर नज़र आ रहा होता है, फिर ये लगाएंगे ना बहुत अच्छी स्किन बनेगी, ठीक है, आपकी बेस। फिर ये मिस रोज का, ये मैं नया लेके आई हूँ अभी, नई चीज़ों के साथ ना सारा इकट्ठा लेके आई हूँ, लेकिन ये मैं पहले भी यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छा है, तो ये मिस रोज का भी अच्छा है। फिर ये मैं प्राइमर लेके आई हूँ, ठीक है, SG है, ठीक है, आपके लिए ना ये मसलन की गर्मियाँ आ रही हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर मॉइस्चराइजिंग की नहीं ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत होती है, ये यूज़ करें, फिर ऊपर से बेस बनाएं। फिर हम लोग जाते हैं हाइलाइटर, इस टाइम का हाइलाइटर, फिर हम लोग ये देखें, ये मैं ना मसलन के इधर से लेके आती हूँ, लोकल से, लोकल कंपनी का होता है, ये बड़े प्यारे कलर है, मैं चेक कराती हूँ, ठीक है, पिगमेंट चेक करें आप कितनी ज़बरदस्त चल रहा है पता, ये देखें कुछ लग रहा है पता कि मसलन के हमने कुछ लगाया हुआ है। ये बड़ा अच्छे क्रीमी से हैं हाइलाइट ना, ये वाला इस टाइम का आपने यूज़ किया ही होगा क्योंकि इस कंपनी की हर एक चीज़ ब्रांड की ना बहुत अच्छी है। मैंने ऐसे रखी है मसलन के आपको दिखाने के लिए कि ऐसी पैकिंग होती है इस चीज़ की, ठीक
फिर एक ये हाईलाइटर है, ठीक है, ये आईब्रो के नीचे लगाने वाला होता है, आईलाइट के ऊपर, ठीक है। ये है मिस रोज कंपनी का, ये भी मैं आपको टैक्स चेक करा देती हूँ। क्रीम से बड़ी प्यारी अच्छी सी चीज़ है, चल रहा पता, ये इसके लिए बड़ा अच्छा होता है। आई मेकअप करने के बाद ना, उसके बाद मसलन के हम लोग लगाना होता है आईब्रो के नीचे, ठीक है। ये लाइनर क्रेलोन का है, ठीक है, और एक और लाइनर है, ये देखिए, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली, वाटर प्रूफ, ठीक है। इसके लिए ये काजल है लैक्मी का, और ये वाइट पेंसिल। फिर मस्कारा मैं क्या आपके साथ शेयर कर दें, ये देखिए क्रिस्टाइन का, क्रिस्टाइन की ना ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। तो ये फिर मैं ग्लॉस लेती हूँ, ये लोकल से हैं मसलन के ना, ये देखिए तीन चार शेयर जो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पर्सनली, ये हुदा का, फिर ये नॉटी मेकअप का है कंपनी का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें जो मैं मसलन के लेके आई हूँ, अभी ना थोड़ी कम चीज़ें लेके आई, फिर मैं कह रही हूँ चेक करने के बाद ना, यूज़ करने के बाद फिर और चीज़ें लेके आई, तो अभी इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं चेक करा लूँ, कुछ मैं कह रही हूँ कि ठीक है, लाइट सामने लेना है, ये देखिए कितना प्यारा सा शेड है। तो मेरा इरादा बन रहा है और चीज़ें लेके आने का, तो इंशाल्लाह चक्कर लगेगा, ठीक है, फिर हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये कॉपर शेड है, ये सिल्वर शेड है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर मैं लगाई जा रही हूँ, ठीक है। फिर ब्लश मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ब्लश हो गया, तो इसका मुझे ब्लश अच्छा लगा, इसमें हाइलाइटर भी है, ब्लश भी है, पट्टी चीज़ें हैं, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और एसटी का, एसटी लंदन का है, ये लैशेज गम मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये मसलन कि हम लोग दो तीन यूज़ करने के बाद लैशेज फिर लगाएंगे ना, बहुत अच्छी इसके साथ लगी, कई होती हैं वो लैदा हो जाती हैं, लग रहा होता है हम लोग ना उतर जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन हम लोग जितनी मर्ज़ी लगाएं ना, ये नहीं कभी मसलन को मसला होगा इस चीज़ का। ब्लश दिखा दिया है, कंटोर पैलेट ये लोकल से लिया है मैंने, ठीक है, ये देखिए, ये भी मैंने यूज़ कर लिया, हाईलाइटर, हाईलाइटर मैं ज़्यादा लगाती हूँ, ज़्यादा पसंद। अब हम लोग ना लिपस्टिक तैयार करते हैं, तो ये देखिए लिप ग्लॉस के बाद ना, ये हुदा ब्यूटी की है, मुझे बड़े अच्छे ये शेड लगे हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ है, और मेरे पास क्रिस्टाइन की भी काफ़ी है, काफ़ी रेंज में है। ये इसके नंबर मसलन मुझे नहीं इतना पता चल रहा है दूर से, और ये मंडोरा की है, मंडोरा की नंबर आपको पता चल जाएंगे, मंडोरा 38 है, ठीक है, कैंडी है, कैंडी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए शैडो पैलेट मैंटिक की है, ठीक है, इसका भी आपके साथ चेक करा दें, यस। ये देखिए ये शेड, ये ग्लिटर, ये सारे मैं इसके शेड भी आपके साथ चेक करूँगी, ये ग्लिटर चेक कर, हम लोग लैदा से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही सारा कुछ है, मैं आपके साथ चेक कराऊँ, ठीक है, चल रहा है। और फिर मैं ना कह रही हूँ दो तीन शेड उठा के आपको चेक कराऊँ अच्छे से, ठीक है, ये वन टच है, क्रीमी शेड है, ये देखिए कितने अच्छे से लग रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा दी हैं, ग्लिटर इसकी बड़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, कितनी अच्छी है, जिधर मर्जी लेके चले गए, एक पर्स की तरह कैरी हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखिए मेकअप फिक्स, मेकअप सेटिंग कह सकते हो, फिक्स कह सकते हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये भी हम लोग साथ पर सब चीज़ों के साथ लेके, देखिए कितना
इतना यूज़ कर लिया मैंने, ये इतना अच्छा है। और फिर ब्रशेस की रेंज पे आ जाते हैं, ये मेरे पास ब्रशेस, ठीक है, ये मैं इकट्ठे लेके आई थी। हर चीज़ का है, ये हाइलाइटर का है, ये ब्लश का है, फिर ये कंटूर का है ये वाला, फिर आईब्रो का है, फिर ये मसलन के सारे ब्रश हैं, ये लिपस्टिक का है, तो सारे मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है आपके साथ ये सारा। ओके, तो मुझे यही सब कुछ जो चीज़ें थी आपके साथ शेयर करके बड़ा अच्छा लगा, आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं ये चीज़ें ना जो आपको दिखाई हैं सारी डिटेल के साथ ना यूज़ करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके लिए शेयर कर दूँ बना के, तो फिर जो चीज़ें हमें दिखाई हैं ना वो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी तो मुझे नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपको पता न्यू डा रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हमें इतना है, तो आप लोग करेंगे ना हमें शेयर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर हम लोग आगे जाएंगे।